कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्टकट की आपको बताएंगे, बल्कि एक नहीं है, उसको आप चार शॉर्टकट की कह सकती हैं, जिसमें से आपको मैंने एक अपने पिछले लेक्चर में बताई थी, तीन आज उसमें इंक्लूड और कर रहा हूं, तो टोटल चार शॉर्टकट की आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इसको हम शॉर्टकट की, ये है नंबर वन, हेडिंग डाल दीजिएगा। नंबर वन ये है कि अगर कभी आपको, मैंने कल बताया था स्क्वायर करना और लास्ट में आ रहा हो फाइव, लास्ट में फाइव आ रहा हो इस तरीके से, ये दो डिजिट है, आप चाहो तो तीन डिजिट ले, मान लो आपके पास ये लिखा, बस कंडीशन ध्यान रखें एंड में फाइव होना चाहिए, बस ये कंडीशन। या आपको मैं नहीं ले रहा, मैं तो सात पॉइंट में लूंगा, ऐसे लूंगा मैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक इसमें यह है कि जो फाइव है उसका स्क्वायर कर लीजिए, फाइव है उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये ट्रिक है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वीडियो में आप देख सकते हैं, ये फाइव लास्ट में होना चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर कर लें, फिर जो इसके आगे लिखा है उसका मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर में कर दो। जैसे ये टू लिखा है तो टू के बाद क्या आता है, थ्री, थ्री के आगे क्या आता है, फोर, ट्वेल्व के आगे क्या आता है, थर्टीन, ट्वेंटी टू के आगे क्या आता है, ट्वेंटी थ्री। ये पॉइंट को दिमाग में से हटा दीजिए, है ना, तो वही है फाइव का स्क्वायर, आगे ट्वेल्व, ऐसे समझो, ऐसी इसमें। तो इसका जो मल्टीप्लाई आए इसके आगे लिख दो, जो मल्टीप्लाई आए इसके आगे लिख दो, यही तो शॉर्टकट की बताई थी आप, ऐसे लिख दो। जैसे मान लो ये पॉइंट वाला है, इसमें ये आ गया 125 का, ये आ गया, तो आपको मालूम है पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, उनका स्क्वायर करो, दो का स्क्वायर क्या होता है, चार, तो एक दो तीन चार, इसके बाद पॉइंट लगा। तो ये मैंने आपको केस वन जो पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसमें लास्ट में फाइव आ रहा हो स्क्वायर करो, नहीं समझे, आंसर आ जाएगा। अब आप, मैं आपको सेकंड ट्रिक बताने जा रहा हूं क्या है इसकी। सेकंड ट्रिक ये है कि जैसे आपने 15 का मल्टीप्लाई 15 में करा, स्क्वायर मींस उसका मल्टीप्लाई उसी में कर दिया, लेकिन अगर मान लो कोई आपसे 100 से बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कोई कहे ये लिखा है और ये लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करो, या कोई आपसे ये कह दे ये लिखा है और ये लिखा है, मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 100 के आसपास हो, तो आप ये देखेंगे कि ये 100 से कितना बड़ा है और ये 100 से कितना बड़ा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दो ही डिजिट तक लिखना है आपको, इससे बड़ा आए तो कैरी दे दिया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको कर दो, बात एक ही है, तो इसमें इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 112, ये आंसर आ गया। फिर देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, इनका मल्टीप्लाई कर, ये आ गया। अब कुछ नहीं है, इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, ये आंसर हो गया। जैसे एक आप करके देखिए, मान लो किसी ने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर, करिए, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 11, और ये 12, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो पहले,
कितना आ रहा है 131, तो आपको 31 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, 1 कैरी लेना है, केवल दो डिजिट लिखनी है, है ना। अगर मान लो किसी बच्चे के संग ये आ जाए कि आप 102 का मल्टीप्लाई 103 में करो, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 2 और ये 3, तो ये 6 आएगा, तो आपको 6 नहीं लिखना है, दो डिजिट लिखने हैं, ऐसे लिखना है। तो दो डिजिट लिख ली, जो 131 आया था उसमें से मैंने क्या करा, ये मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसमें से 1 कैरी ले लो। अब आप इसमें इसको ऐड कर दो, कितना आगे ऐड करके 131 और जो 1 कैरी था, यह आंसर हो जाएगा। फिर सीख लीजिएगा, जैसे ये 112 है तो 100 से कितना ज्यादा है 12, ये 100 से कितना ज्यादा है 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो 84 आ गया। फिर किसी में भी इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, लिख दो आप, तो क्लियर हो रहा है आपको। बड़ा आसानी से होगा, मान लो किसी ने ये कहा कि ये तो 100 से ज्यादा, मान लो 100 से कम है इनका मल्टीप्लाई, तो ये 100 से कितना कम है 2 और ये 100 से कितना कम है 3, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर, जैसे पहले करा था कर लिया, अब पिछले में तो आपने इसको ऐड कर दिया, लेकिन यहां को ये कम है 100 से, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, बस आगे फिर देखो। किसी ने आपसे कहा कि आपके पास ये लिखा, इसमें मल्टीप्लाई करो इसका, तो ये 100 से कितना कम है और ये 100 से कितना कम, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करो, जब कर लिया उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, पिछले वाले में इसको ऐड करते थे क्योंकि 100 से ज्यादा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 91 माइनस, हो रहा है क्लियर। और देखिए, मान लो आपके पास लिखा है 94, इसका मल्टीप्लाई करना है 93, करो, तो ये 100 से बताओ कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है, मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा इसमें से माइनस करो, ये आंसर हो। इन दोनों में अंतर समझ लो क्या है, इसमें ये देखते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर दो, दो डिजिट लिखने हैं, उसके बाद इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो आगे। अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आपने देखा ये 100 से कितना ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई करो, अगर 6 आ रहा अकेला तो आपको 06 लिखना है, दो डिजिट लिखने हमेशा, उसके बाद बताइए क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर दो आगे लिखो, तो ये आपको शॉर्टकट की बताइए नंबर 3। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ये कह दिया कि साहब ये तो 100 से ज्यादा है, तभी होता है ये 100 के नियर अबाउट है, कम है या ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं। चौथा ये है कि मान लो रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया, किसी ने कहा साहब 87 का मल्टीप्लाई 22 में, तो इसका तरीका ये होता है, समझ लीजिए कि सबसे पहले इधर वाले का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ जाएगा 4,
इसका इसमें करो कितना आ रहा 14 4 कितना एक कह रही है फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसमें करो मल्टीप्लाई करो ये हो गया 16 ये हो गया 14 इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा मतलब फिर समझो पहले इधर वाले का राइट हैंड साइड वाले का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 14 4 लिख एक कह रही है फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐड करो और ये कैरी गोल्ड कितना आ रहा है 31 तो इसका 1 लिख लो 3 कैरी अब इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 16 और 3 कैरी का कितना हो जाएगा 9 फिर समझो घबराओ मत जैसे किसी ने कहा 24 का मल्टीप्लाई आप 35 करो तो इसका तरीका ये है कि पहले इनका मल्टीप्लाई करो पहले इनका मल्टीप्लाई लास्ट में इनका मल्टीप्लाई और बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तरीका समझो पहले इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 20 तो आप यहाँ 0 2 कह देंगे फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये 10 हो गया ये 12 हो गया कितना आ गया 22 और 2 24 फिर 2 10 अब इनका मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करो ये आंसर आ गया फिर समझो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं जैसे किसी ने कहा साहब 78 का मल्टीप्लाई आप 35 में करो तो क्या तरीका समझाया है पहले इनका मल्टीप्लाई लास्ट में इनका मल्टीप्लाई और बीच में इनको ऐड करो बस तो ये हो गया इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 40 4 के अब इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई ऐड करो और जो के भी आया था वो छोड़ 16 ये लिख के ही के अब इनका मल्टीप्लाई कितना है 21 और 6 ये आंसर है ये वाला जो था 100 से वाला ऊपर ये नीचे ये तो बहुत आसान था इसमें कुछ नहीं है 2-3 की प्रैक्टिस करोगे मास्टरी हो जाएगी पहले इधर का मल्टीप्लाई लास्ट में इसका मल्टीप्लाई और बीच में इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बस ये करना है अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसमें आपकी बहुत मदद हो जाएगी जितने मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं नहीं समझे विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएंगे बेटे